गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मेरा शर्ट अच्छा लग रहा है ना, इसका भी वीडियो लेके आऊंगी मैं, कहाँ से लिया है मैंने। तो आज का अपना वीडियो होने वाला है मेकअप वीडियो। मैं आपको मेकअप यूज करके बताऊंगी मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अभी जस्ट मैंने ना वीडियो शूट किया था, तो उसके लिए मेकअप कर रखा है। पहले मैं उसको वाइप्स से हटा लेती हूँ। सॉरी गाइज, बाहर से आवाज आएगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि शाम हो रही है, लोग बोल रहे हैं, मैं मना भी नहीं कर सकती किसी को। तो मैंने सारा मेकअप हटा लिया है अपना, अभी अपन दोबारा से करेंगे। अभी तो मैंने हल्का सा कर रखा था, एक वीडियो शूट किया था उसके लिए किया था। अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप करके बताऊंगी। मैंने मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, अब मैं लगा रही हूँ रिवलॉन का प्राइमर। ओह शिट यार, ये ऐसे निकलता है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही करके। तो मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया है, अपने मेकअप का बेस अच्छा रहे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये मैबलिन का कंसीलर अपने अंडर आईज पे, और जहां पे थोड़ा डार्क डार्क है वहां। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। जहां जहां पे भी आपको अगर स्पॉट हो, कुछ भी दाग धब्बे हो, तो वहां पे आप कंसीलर लगा के उनको छुपा सकते हो, ये तो सबको ही पता होगा। अब मैं लगा रही हूँ मैबलिन फिटमी का फाउंडेशन। मेरा शेड है 115, तो मैं मेरे शेड का लगा रही हूँ। अब इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से या ब्रश से, आप जैसे चाहो इसको एकदम से अपने स्किन पे ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने अभी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब अपन अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए लगाएंगे मैबलिन फिटमी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छे से लगा लेंगे इसको भी। अब मैं लगा रही हूँ आंखों में काजल लैक्मे का। बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इस काजल को अपन एज ए आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। आईब्रो के लिए मैं यूज कर रही हूँ सुगर की, ये ब्रो डिफाइनर है। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब हो चुका। अब मैं यूज करूंगी मेरी फेवरेट चीज, मोस्ट फेवरेट चीज, ब्लशर। बेनिफिट का ब्लशर है ये, इसको अपनी चिक्स पे यूज कर लेना है। गाइज बहुत गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चला रखा, ऊपर से ये रिंग लाइट, पर क्या करूं, पंखा चलाऊंगी तो आवाज नहीं आएगी। अब अपन यूज करेंगे आई शेडो। गाइज मैं जामुन खा के हूं, तो मेरी जीब ऐसी हो चुकी है। अब अपन आई शेडो यूज करेंगे। मैं अभी करती हूँ स्मोकी आईज। ब्रश से भी कर सकती हूँ और अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकती हूँ। तो मैं स्मोकी आईज वाला लुक ले रही हूँ, तो मैं अपने फिंगर से कर लूंगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेना इसको भी। गाइज बीच में ये अजान होने लग गई, कभी बाइक की आवाज आ रही है, हर चीज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं कम से कम एक घंटे तक वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद में इसको एडिट करती हूँ, बहुत टाइम लगता है चीजों में, पर कोई नहीं,
करना तो है ही। अब मैं लगाऊंगी माइग्लैम की ये लिपस्टिक, मस्कारा मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल मेरे पास है नहीं, खत्म हो चुका है। अब लगा मैंने अच्छे से लिपस्टिक भी लगा ली है। लास्ट में अब अपन लगाएंगे हाइलाइटर, चीजों को हाईलाइट करने के लिए। तो ये था आज का अपना वीडियो, सिंपल सा मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।